हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। हमारे चैनल लेसन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अपडेट्स आपको आसानी से मिल सकें। दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा पीएफ ट्रांसफ़र जो हम रिक्वेस्ट देते थे, ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते थे पीएफ ट्रांसफ़र के लिए, वो अब हमें ऑनलाइन रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन वो ऑटोमेटिक, जैसे ही आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपका जो पिछली कंपनी का पीएफ है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। पिछली कंपनी से न्यू कंपनी में आपका जो पीएफ है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये न्यूज़ है 11 मार्च 2019, ये न्यूज़ ये आई है, कम अप्रैल 1 यूर पीएफ विल चेंज जॉब अलॉन्ग विथ यू ऑटोमेटिकली। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई है। तो सब्सक्राइबर ऑफ रिटायरमेंट फंड नोबडी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट वुड नॉट रिक्वायर टू द फाइल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर क्लेम ऑन चेंजिंग जॉब्स फ्रॉम द नेक्स्ट फिजिकल एज द प्रोसेस वुड बी मेड ऑटोमेटेड अकॉर्डिंग टू अ लेबर मिनिस्ट्री ऑफिशियल। दोस्तों, ये न्यूज़ आई है, पर इससे पहले मेरे कुछ जो कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनके साथ ऐसा हो चुका है कि ये, क्योंकि ये पायलट बेसिस पे, उनके कई लोगों के नंबर पर ये पायलट बेसिस पे चल रही है कि कई लोगों का ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक हुआ है। तो दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है, उसने बताया है कि जो ट्रांसफ़र उसका, उसमें एक अलर्ट आता है कि आप पिछले बिजनेस कंपनी में आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है या ट्रांसफ़र नहीं करना है तो आप उसके लिए अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं। बस एक ही मैसेज आता है खाली नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, रूमर्स आ रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 से प्रॉपर सब पे लागू हो जाएगा। तो मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ कि ये लागू होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफ़र के लिए, डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफ़र। फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ ये है कि आपका जो यूएन है वो एक्टिवेट होना चाहिए। उसके बाद आपके यूएन पर केवाईसी अप्रूव होनी चाहिए, आधार पैन बैंक तीनों अपलोड और अपने एम्प्लॉयर से अप्रूव होने चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप अपनी प्रीवियस कंपनी छोड़ रहे हैं, वो उनकी डेट ऑफ एग्ज़िट, जैसे ही आप छोड़ रहे हैं कंपनी को तो डेट ऑफ एग्ज़िट वो पड़ी होनी चाहिए। आपके पास तुरंत अलर्ट आएगा कि आप जो आपका पिछली कंपनी का जो पैसा है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपके नंबर पर तुरंत अलर्ट आएगा अगर ये चीज़ें आपके यूएन पर होंगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके यूएन नंबर में मिस होगी तो ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो ने आपकी मदद करी है। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।